वैज्ञानिकों ने अब तक कई ग्रहों को खोजा है, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन उनमें से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ लाइफ है, और बचे दूसरे ग्रह या तो बहुत गर्म है या फिर बहुत ठंडे। साथ ही वहां जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं है। लेकिन इन सब ग्रहों में से एक है मार्स प्लैनेट, जिसकी तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान ज्यादा आकर्षित हो रहा है। कहने को तो मंगल एक बंजर ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट की माने तो मंगल को जीवन के अनुकूल बनाया जा सकता है, और ये सब पॉसिबल है टेराफॉर्मिंग के जरिए। आइए जानते हैं कि ये टेराफॉर्मिंग क्या है और इससे किसी भी बेजान ग्रह को कैसे रहने के योग्य बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ये टेराफॉर्मिंग क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसे ग्रह जिन पर जीवन नहीं होता लेकिन उसको जीवन की संभावना वाले ग्रह में बदलने की प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसे करना चाहते हैं। असल में ये आइडिया कई साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है, इसलिए इसके बारे में सोचा जा रहा है। मंगल ग्रह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर उठते रहते हैं। पृथ्वी की तरह ये ग्रह जीवन से भरा नहीं है। यहाँ पर गर्मियों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 27 डिग्री और सर्दियों में ये -133 डिग्री तक चला जाता है। नासा का मानना है कि इस समय मार्स को जीवित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसके वातावरण में बहुत सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC छोड़ना होगा। CFC एक तरह के रेफ्रिजरेटर प्रोपेलेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर को बहुत खतरा होता है, और इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जहाँ CFC को ग्रीन हाउस की सबसे अहम गैस माना जाता है, वहीं CFC-12 एक ऐसी गैस है जिसके अंदर गर्मी को कैद करने की शक्ति CO2 से 17,700 गुना ज्यादा होती है। मिट्टी और वायु से निकला CFC और उसके साथ ही फैक्ट्रीज में बने CFC को मिलाकर CFC का एक बड़ा पेलोड बनाना चाहिए, जिसमें बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के जितनी ऊर्जा होती है। उसे हमें मार्स के वातावरण में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर CFC सूरज की किरणों को अपने अंदर बंद कर देगा और बहुत ही जल्दी इसकी सतह का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ऐसा करने पर वेरियस सबसिस्टम एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, और इस तरह ये मार्स के क्लाइमेट चेन को शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा। ग्रीन हाउस गैस को वहाँ पर छोड़ने के दो मेन कारण है। पहला, ऐसा करने से वहाँ के तापमान और पर्यावरण में बदलाव आएगा, और दूसरा, वहाँ मौजूद इंफ्रारेड रेडिएशंस खत्म होने लगेंगी। इस आइडिया से मार्स के वातावरण की स्थिति काफी हद तक पृथ्वी जैसी हो जाएगी। मार्स के वातावरण में 97% कार्बन डाइऑक्साइड का होना वैसे तो एक बुरे सपने के जैसा है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका दबाव पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद दबाव के 1/1000 होना चाहिए। अगर हमें मार्स को पृथ्वी की तरह बनाना है तो हमें इसका वातावरण बेहद ही मोटा करना होगा, जिससे कि इसमें मौजूद पानी एक तरल पदार्थ के रूप में ही रहे। मार्स का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए बहुत कम अपारदर्शी यानी ओपेक है। मार्स की इंफ्रारेड रेडिएशन ऑप्टिकल डेप्थ 0.2 जबकि पृथ्वी की 0.83 है, वहीं वीनस की 60 है। क्योंकि ये बाहर से बहुत ज्यादा पतला और ठंडा है, इसमें तरल पदार्थ में मौजूद पानी बहुत जल्द ही किसी जगह पर जम जाता है और किसी जगह पर भाप बन जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक तरल पदार्थ में नहीं रहता। सतह का तापमान बढ़ने के कारण साउथ पोलर केप्स में मौजूद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भाप बन जाएगी, जो कि बाद में वातावरण में फैलेगी और इससे तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। ये तापमान मार्स पर मौजूद बर्फ गलने के लिए पर्याप्त होगा, और इसकी सतह में पानी तरल पदार्थ में आ जाएगा, जो कि जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। सतह पर आया पानी वातावरण के दबाव को इतना बढ़ा देगा जितना पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर इस वक्त दबाव है। ये किसी के जीवित रहने के लिए तो सक्षम नहीं होगा, लेकिन ये पेड़ पौधों के रहने के लिए पर्याप्त होगा। मार्च 2017 में वैज्ञानिकों ने मार्स प्लैनेट के जैसी मिट्टी में आलू उगाए थे, ये देखने के लिए कि द मार्टियन नाम की फिल्म में जैसा दिखाया गया है वो संभव है
या नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि वैज्ञानिक इसमें सफल भी हो गए। कहा ये फिल्में एक फिक्शन स्टोरी दिखाई गई थी और हकीकत में वैसा ही हुआ। वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल होने का मतलब यही है कि मार्स में जीवन शुरू हो सकता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे कि हम इसके वातावरण का दबाव और यहाँ पर मौजूद ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा सकते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले थर्मोन्यूक्लियर बम को मार्स के बर्फीले ध्रुवों पर या फिर इनके ऊपर छोड़ना होगा। इसका कारण ये है कि इसके ध्रुव में जमी बर्फ के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी की ग्रीन हाउस गैसें दबी हुई हैं। उसी तरह जिस तरह पृथ्वी के पहाड़ों की चोटियों में दबी हैं। थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण यहाँ पर मौजूद बर्फ पिघल जाएगी जिससे कि ये सभी बाहर निकल जाएंगी और ये ग्रह धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। हमें अंतरिक्ष में बहुत बड़े शीशे लगाने होंगे और उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हुई रोशनी को मार्स के बर्फीले ध्रुवों पर फोकस करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा कागज को जला देते हैं। ये शीशे बहुत ज्यादा विशाल होने चाहिए। ऐसा करने के लिए इनका रेडियस 125 किलोमीटर होना चाहिए जिससे कि मार्स के ध्रुव का तापमान 5 डिग्री केल्विन तक बढ़ सके। हमें मार्स के वायुमंडल में अमोनिया को छोड़ देना चाहिए जिससे यहाँ का तापमान उतनी तेजी से तो नहीं बढ़ेगा जितना CFC के इस्तेमाल से बढ़ता है, लेकिन इससे यहाँ के वायुमंडल में नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। हमें इस ग्रह की सतह को किसी ऐसी चीज से ढकना होगा जिससे कि इसकी सतह से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट ना हो सके। हमें इसके लिए फोबोस और डीमोस, जो कि हमारे सौर मंडल की दो सबसे ज्यादा अंधेरी वस्तुएं हैं, यहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके मार्स पर डालनी होगी, या फिर हम यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे रख सकते हैं जो कि अंधेरे में पैदा होते हैं, या फिर हम यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स छोड़ सकते हैं, वो भी अंतरिक्ष से लेकर, क्योंकि अंतरिक्ष में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मार्स की टेराफॉर्मिंग करने का सबसे दिलचस्प तरीका नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन के डायरेक्टर जिम ग्रीन ने बताया है। उनका कहना है कि हमें एक नकली मैग्नेटोस्फीयर से इस ग्रह को ढक देना चाहिए। ऐसा करने के लिए बहुत बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट और डायपोल चाहिए होंगे जो कि इतनी ऊर्जा का उत्पादन कर सके जिससे पूरा ग्रह एक नकली चुंबकीय क्षेत्र से घिर जाए। हमें दो अपोजिटली चार्ज्ड मैग्नेट चाहिए होंगे जिसका एक सिरा मार्स की सतह में होगा और दूसरा मार्स और सूरज के एक्सिस में होगा। लेकिन अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि क्या टेराफॉर्मिंग करना अच्छा आइडिया है। अगर हम किसी तरह से इसके वायुमंडल में CO2 की बड़ी मात्रा को छोड़ देते हैं और उसको जीवन के लायक बना देते हैं तो ये काफी नहीं होगा और ऐसा होगा जैसे हमने एक आइसबर्ग को पिघलाकर पानी बना लिया हो। इसके बाद भी वैज्ञानिकों को यहाँ पर मौजूद और परेशानियों से भी निपटना होगा जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि रेडिएशन और वायुमंडल में हो रही घटनाओं से ग्रह को बचा सके। यहाँ पर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो कार्बन और पानी को रिसाइकल कर सके और तबाह हुई सतह को फिर से बना सके। मार्स का कोई भी इतना बड़ा चांद नहीं है जो कि इसके एक्सिस को बैलेंस कर सके और पानी में ज्वार पैदा कर सके। इसकी ऑर्बिट बहुत ज्यादा अंडाकार है जिसका मतलब है कि यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होगा। जुपिटर की निकटता और एस्टेरॉयड बेल्ट के कारण इसमें बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होंगे। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के 0.38 के बराबर है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है जो कि वायुमंडल के करंट को तोड़ सके और प्रेसिपिटेशन कर सके। इसकी सतह पर विषैला परक्लोरेट्स मौजूद है और इसके हेमिस्फेयर एसिमेट्रिकल है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह के एक तरफ सारी जमीन होगी और दूसरी तरफ सारा पानी। अगर हम इन सब परेशानियों से निजात पा भी लें तो फिर भी कई परेशानियां हमारे सामने होंगी, जैसे कि मार्स पर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा होने के लिए सदियां लग जाएंगी। क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम इस काम में बहुत बुरी तरह से असफल हो सकते हैं। कुछ चीजें पृथ्वी और मार्स में कभी भी एक जैसी नहीं होंगी। उदाहरण के लिए हम ग्रेविटी को लेते हैं। मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी के एक तिहाई जितनी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक स्टडी से पता चला था कि जहां पर कम ग्रेविटी होती है वहां पर हड्डियों से मिनरल्स खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है।
अगर हमने किसी तरह मार्स पर इंसान की ब्रीडिंग शुरू भी कर ली तो मार्स पर पैदा हुए और रहने वाले लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से कई ज्यादा लंबे होंगे क्योंकि मार्स की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही लंबी और कठिन है जिसे पूरा करने में हमें करीब सैकड़ों साल लग जाएंगे। इसके लिए पृथ्वी के कई रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा ऊर्जा और इसके साथ ही बहुत सारे लोग भी इस प्रक्रिया के दौरान शहीद हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी इंसान अपने से कई मील दूर मौजूद ग्रह को क्यों टेराफॉर्म करना चाह रहा है? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के लिए अगला कदम मार्स ही है। अगर इंसान को एक ही ग्रह में रहने वाली प्रजाति नहीं बनना और अंतरिक्ष में किसी भी जगह पर जाना है तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और इसके लिए मार्स बिल्कुल परफेक्ट ग्रह है। लेकिन इस वक्त इससे भी बड़ी एक समस्या है जिसका हमें सामना करना होगा। जहां पर आज इंसान खड़ा है वहां पर वो अपने ग्रह की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा और दूसरे ग्रहों पर जाने की सोच रहा है। मार्स को टेराफॉर्म करने की प्रक्रिया भविष्य में अगली सदी से ही शुरू हो सकती है जिससे कि हमारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी हो। लेकिन तब तक ऐसा हो सकता है कि हम शांति और अमन के साथ रहना भूल जाएं या फिर हम इतने एडवांस हो जाएं कि ग्रहों से छलांग मारकर सीधे तारों में रहने का प्रयास करें। यहाँ तक कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस ग्रह पर चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मंगल को टेराफॉर्म करने के चक्कर में हम अपना ग्रह भी गंवा दें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।